अखिलेश ने क्यों किया आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का ऐलान। केशवपाल यादव से खतरा देख मैदान में उतरे अखिलेश। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासी रण सजने लगा है। विरोधियों को मात देने के लिए तमाम दल सोच समझकर अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। हाल ही में जब एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी से टिकट दिया गया तो उनके मौजूदा सीट आजमगढ़ को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया, लेकिन इस पर उस वक्त विराम लग गया जब इस सीट से अखिलेश यादव के नाम का ऐलान किया गया। जी हां, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव आगामी लोकसभा चुनाव अपने पिता की विरासत यानी आजमगढ़ लोकसभा सीट से लड़ेंगे। उधर आजमगढ़ से अखिलेश के चुनाव लड़ने के फैसले के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारों की माने तो शिवपाल फैक्टर को देखते हुए आजमगढ़ से चुनाव लड़कर अखिलेश ये दो टूक संदेश देना चाहते हैं कि वही अपने पिता की विरासत के असली उत्तराधिकारी हैं। वैसे भी पूर्वांचल एसपी का बड़ा गढ़ रहा है, लेकिन 2014 में मोदी लहर ने एसपी के इस सबसे मजबूत गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। पूर्वांचल से एसपी को सिर्फ एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा था और वो सीट भी आजमगढ़ ही थी जो मुलायम ने तकरीबन 63,000 वोटों के अंतर से जीती थी। पूर्वांचल में एसपी का दबदबा बरकरार रहे इसी रणनीति के तहत मुलायम ने मैनपुरी सीट छोड़ी और आजमगढ़ सीट बरकरार रखी। अब इस सीट से चुनाव लड़कर अखिलेश कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी दमदार तरीके से चुनाव लड़ेगी। इस दांव से अखिलेश पूर्वांचल में शिवपाल फैक्टर भी कम करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इस सीट पर अखिलेश की राहें आसान रहने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी लहर में मुलायम भी सिर्फ 63,000 वोटों से ही जीत पाए थे। ऐसे में मुलायम के चेहरे पर वोटों का यह अंतर अखिलेश के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। इतना ही नहीं, अब तो शिवपाल भी एसपी के खेमे से अलग हो गए हैं। हालांकि इससे पहले अखिलेश कन्नौज में भी अपने पिता मुलायम सिंह यादव की विरासत संभाल चुके हैं। साल 2000 में मुलायम के कन्नौज सीट खाली करने पर अखिलेश पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में एसपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला तो मुलायम ने मुख्यमंत्री की कुर्सी भी अखिलेश को सौंप दी थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश आजमगढ़ सीट को जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।